हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर के बारे में फर्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल इट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज विच मींस पावर इन जर्मन सेकेंड पीएच वैल्यू इट हैज वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू फोर्टीन पी एच इज़ अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन जो पी एच होता है वो किसी भी सोल्यूशन के एसडिक और बेसिक नेचर नेचर को इंडिकेट करता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सॉल्ट सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाई द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसीड एंड बेस न्यूट्राइज वाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन the reaction between acid and base to produce water and salt is called neutralization reaction first common salt common salt is formed by the combination of hydro hydrochloric acid and sodium hydroxide solution hcl plus NaOH, nacl plus h2 सेकेंड आता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैक लाइम। ड्राई स्लैक लाइम और क्लोरीन को रिएक्ट कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है जैसे सी लाइम सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग cotton and linen in textile industry for bleaching wood pulp in paper industry second it is also used as a disinfectant for water to make it free of germs third it is used as an oxidizing agent in many chemical industries third number caustic soda sodium hydroxide when electricity is passed through an एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन इट्स डीकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कोली प्रोसेस टू एन एस सी एल एक्व सोल्यूशन प्लस टू एस टू ओ लिक्विड इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो कराने पर टू एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस यूज कास्टिक सोडा इट्स 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 मेन यूज आर इन द मैनुफैक्चर ऑफ स्पल्प एंड पेपर एलुमिना सोप एंड डिटर्जेंट से प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइन थर्ड इट इज यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फोर्थ नंबर आता है बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट एनेच सी ओ थ्री इट इज सोड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज इट इज़ प्रोड्यूज बाई यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम इन सबको मिक्स करने पर बनता है अमोनीयम क्लोराइड और बेकिंग सोडा वेन बेकिंग वैन सोडियम बाई कार्बोनेट इज हीटेड दैन सोडियम कार्बोनेट मेक Use uses of baking soda, it is used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach. Second, it is used is making baking powder. Baking powder is a mixture of baking soda and milled, edible tetritic tartaric acid. Third, sodium bicarbonate, heat carniper, sodium carbonate, and water or carbon dioxide may break. नेक्स्ट टॉपिक है वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एस टू सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑप्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा द री क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट मिट करता है उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को टेन एस टू ओ के साथ मिक्स करने पर सोडियम बाई कार्बो सोडियम कार्बोनेट इंटू टेन एस टू ओ वॉशिंग सोडा मिलता है यूजेज ऑफ वॉसिंग सोडा इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज सेकेंड इट इज़ यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स थर्ड इट इज़ आल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर फोर्थ इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज नेक्स्ट टॉपिक है प्लस्टर ऑफ पेरिस सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू इट इज ऑप्टेंड बाई हीटिंग जिप्सम एट थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लॉज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन पे हीट करने पर सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ प्लस वन वन होल वन पॉइंट टू एस टू ओ मीट करता है

वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेट सॉल्ट इट मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐड हो जाते हैं इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे वाशिंग वाशिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री टेन एस टू इसमें टेन टेन मोल्स वाटर के ऐड हैं इसलिए इसी इसे बोलते हैं क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इस साल्ट को बोलेंगे हाइड्रेट सॉल्ट Thank you.